दिल्ली में आरजेडी का यूथ का लीडर जेल में सड़ रहा है। अगर कोई यूएपीए में जाता है तो एक एक साल से चार साल जेल में रहता, उसके बाद बेल होती है। और कांग्रेस पार्टी हम पर उंगली उठाती है। तीसरी बात कांग्रेस पार्टी कहती है कि वोट काटने आए हैं। आप ये बताइए कि बिहार में लोकसभा के चुनाव में 40 लोकसभा की सीट है, 39 सीट पर तो आप हार गए, एक सीट पर जीते। कहां जीते? किशनगंज। और वहां क्यों जीते? क्योंकि वहां पर हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने 3 लाख वोट हासिल किए, जेडीयू 3,25,000 और कांग्रेस 3,50,000। अगर हम नहीं रहे थे, अगर दूल्हे भाई नहीं रहते तो वो भी मार। और चौथी बात, मैं मुझे यह बताया गया है कि कांग्रेस के जो यहां पर प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुमको हमारे पास आना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैंने महाराष्ट्र में 2013 में 12-13 में मैंने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को शुरू किया था, तो मेरे पास कांग्रेस के बड़े बड़े मुसलमान लीडर आकर बोले कि मत करो ये, आप आएंगे तो तुम्हारी तकरीर से लोग बिफर जाएंगे, नौजवान जज्बात में आएंगे, जईफ लोगों में गुस्सा पैदा होगा। तो मैंने कहा एक और कहा कि ये वोट कट जाएगा, ये हराम है। मैंने कहा अच्छा ये हराम है, तो मैंने कहा एक काम करता हूं मैं, जिस्मानी खुदकशी तो हराम है, मानते ना आप। मैंने कहा मैं सियासी खुदकशी करने जा रहा हूं, दो फतवा। ये तुम टेढ़ी बात करते हो। मैं टेढ़ी बात नहीं करता हूं, मैं सीधी बात करता हूं। अगर मेरी बात सुनने के बाद नौजवानों के दिलों के जज्बात की मेरी जबान से तर्जुमानी होती है तो होना चाहिए। अगर हमारे बुजुर्गों के आंखों से जो आंसू बहती है, अगर मेरी जबान से निकले अल्फाज से उनके दिलों में एक उम्मीद की किरण पैदा होती है तो पैदा होना चाहिए। अगर कोई कांग्रेस का ये उम्मीदवार कह रहा है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुम ख्वाब में हो, तुम ख्वाब देख रहे हो, तुम अब बेदार हो जाओ, क्योंकि हमारे पास अब विकल्प कुशवाहा साहब के रूप में है और हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। हम इस दुनिया में आए, इस दुनिया में हम रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, फिरका परस ताकतों का जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी बुरी बुरी बातों को सह रहे हैं, मगर हमारे जज्बात को मजरूह होने नहीं दे रहे। हम कानून का दामन नहीं छोड़ रहे, मगर हम एक चट्टान की तरह मुकाबला कर रहे हैं। क्यों मुकाबला कर रहे हैं? क्यों मुकाबला कर रहे हैं? क्योंकि हमको पूरा भरोसा है हमारे रब पर, जो जमीन और आसमान के कायनात को बनाने वाला है। अगर कोई आकर ये कहेगा कि तुम्हारे पास हमारे सिवा कोई नहीं है, अरे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपनी जूती पर भी तुम्हारी जरूरत करूंगा। हम किसके मोहताज हैं? हम तो इनके मोहताज हैं। हम किसके भी मोहताज नहीं है। तो मैं आपको पैगाम देने आया हूँ, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ, ये कांग्रेस के लोग गुरूर और तकबुर के समंदर में डूब रहे हैं। अब इनको जमहूरियत के समंदर में आपको डुबाना था इस तारीख को, और हमारे भाई जनाब रविदास को कामयाब करना है। और मैं तमाम अलीगंज के बाशिंदों से कहना चाह रहा हूं कि आप तो उस जगह से आपकी निस्बत है जिसका नाम शेर खुदा है। जो अलीगंज का रहने वाला है वो इन तमाम बबर भपकियां देने वालों से, धमकी देने वालों से डरने वाला नहीं है। जिस तरह खैबर का दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया गया, उसी तरह यहाँ पर 28 तारीख को आप लोग एक वोट इंशाअल्लाह ताला आरएलएसपी के उम्मीदवार मेरे भाई जनाब रविदास को देकर कामयाब करिए। अब डरने और घबराने की बात नहीं है, अब हरगिज नहीं डरना है। नौजवानों, अपने करीब डर को आने मत दो, अपने करीब खौफ को आने मत दो, अपने करीब नाउम्मीदी को आने मत दो, बल्कि पूरे अटूट भरोसे के साथ अपने रब पर तवक्कल करते हुए, भारत की जमहूरियत को मजबूत करते हुए अपने बाजुओं पर भरोसा रखो, अपने दिल से फैसला लो। दिमाग से पूछोगे तो दिमाग बोलेगा खतरा दिखाएगा, दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा कूद जा समंदर में और